हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। तो आज जानेंगे एक बेस्ट कस्टम एचयूडी एंड उनके बटन्स के साथ फायर बटन को किस तरह से सेट कर सकते हैं। साथ ही तीन यूट्यूबर्स के सीक्रेट कस्टम एचयूडी को भी जानेंगे। और तो और, टू फिंगर, थ्री फिंगर एंड फोर फिंगर कस्टम एचयूडी में से बेस्ट कौन सा है, ये भी जानेंगे। कस्टम एचयूडी जो बहुत सारे बटन से मिलकर बनता है, और बिना परफेक्ट कस्टम एचयूडी के हम ना ही मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही ग्लूवल को फास्ट लगा सकते हैं, और ना ही हेडशॉट मार सकते हैं। सो आज जानेंगे एक बेस्ट कस्टम एचयूडी जिससे आप अपने गेम प्ले को बर्बाद मतलब कि बड़ा खतरनाक बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी टू फिंगर पर और कुछ तो थ्री फिंगर पर और कुछ तो फोर फिंगर पर भी खेलते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है और किस एचयूडी पर ज्यादा बेस्ट गेम प्ले किया जा सकता है। जहां तक बात रही इजी एंड सिंपल एचयूडी की, तो वो है टू फिंगर कस्टम एचयूडी। इस पर बस दो फिंगर से ही सभी बटन्स को प्रेस करना पड़ता है, लेकिन टू फिंगर पर आप लोग ज्यादा फास्ट गेम प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही टाइम पर आप एक उंगली से लेफ्ट साइड के एक बटन को एंड दूसरे फिंगर से राइट साइड के एक बटन को ही प्रेस कर सकते हैं। सो अभी के टाइम पर टू फिंगर बेस्ट नहीं है। बात करें थ्री फिंगर एंड फोर फिंगर की, तो समझो फ्री फायर पर ज्यादा बटन्स नहीं है जो कि चार अंगुली का यूज करना पड़े, आपकी तीन अंगुलियां भी काफी है। तो मेरी मानो तो थ्री फिंगर एचयूडी का ही यूज करना। सो सबसे पहले कस्टम एचयूडी के बटन्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर वन, वैसे बटन्स जिसको हम लोग कहीं भी रख सकते हैं एंड ये गेम प्ले को अफेक्ट नहीं करेगी, जैसे कि ये सारे बटन्स जिसको आप लोग कस्टम एचयूडी के किसी भी पार्ट पर रख सकते हैं। नंबर टू, जो कि मेन बटन जैसे कि रन बटन, स्विच बटन, फायर बटन एंड जंप बटन। तो ये सारे मेन बटन्स को हमें परफेक्ट सेट करना पड़े। तो इनमें से कुछ बटन्स को हमें लेफ्ट के साइड पर ही रखना और कुछ बटन्स ऐसे हैं जिसको हमें राइट के साइड पर ही रखना है। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अपने ज्यादातर बटन्स को राइट के साइड पर ही रखते हैं, और यही मेन कारण है कि हम लोग अपने गेम प्ले को इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो अपने गेम के कस्टम एचयूडी पर आकर इसको रीसेट कर लेना है, ताकि आपका कस्टम एचयूडी पूरा का पूरा डिफॉल्ट हो जाए। तो देखो, फायर बटन, स्किल बटन, स्लिप बटन, रिवाइव बटन एंड ऐसे कुछ बटन्स को आपको राइट के साइड पर ही रखना है, और बाकी के बचे सारे बटन्स को आपको लेफ्ट के साइड पर रखना है, चाहे वो स्विच बटन हो, रन बटन हो या फिर जंप बटन हो। यहाँ तक कि अपने स्कोप एंड अपने सीट वाले बटन को भी आपको लेफ्ट के साइड पर ही रखना है। आप लोग चाहो तो प्लेयर्स नेम, किल फीड, लोकेशन एंड माइक जैसे बटन्स को राइट के साइड पर भी रख सकते हैं, ताकि बाकी बटन्स आपके लेफ्ट के साइड पर परफेक्टली सेट हो सके एंड उसकी प्लेस भी बची रहे। बाकी आप लोग बटन्स के साइज को आप लोग ध्यान से देखो, मैंने किस बटन को कितना रख है। आपको बटन्स के साइज को स्मॉल रखना है, ताकि सारे बटन्स को लेफ्ट के साइड पर रख सको। तो अगर फाइनल एचयूडी की बात करें, तो आप लोग ध्यान से देखो मैंने किस बटन को कहां पर रखा है, कितने साइज पर रखा है एंड किस स्टाइल से मैंने सारे के सारे एचयूडी को सेट किया है। ये कस्टम एचयूडी इतनी तगड़ी है जिस पर आप लोग स्कोप हेडशॉट ट्रिक को भी आसानी से कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने वाइट एफएफ के वीडियोस पर देखा हो। बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, बाकी कस्टम एचयूडी एकदम परफेक्ट है। इस कस्टम एचयूडी पर आप साइड ग्लू वॉल भी लगा सकते हैं, इस तरह का ग्लू वॉल का स्टाइल जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस पर आपने देखा होगा, और जेरोक्स एफएफ की तरह भी आप लोग राउंड ग्लू वॉल को भी लगा सकेंगे। साथ ही अब तक के जितने भी ट्रिक्स आए, चाहे वो जंप हेडशॉट हो या फिर कोई भी ट्रिक, उन सारे फ्री फायर के हेडशॉट ट्रिक्स को आप लोग इस कस्टम एचयूडी पर कर सकेंगे। तो अब जानते हैं तीन ऐसे यूट्यूबर्स के कस्टम एचयूडी जिसका स्पीड एंड एक्यूरेसी गॉड लेवल का है। सो नंबर वन पे आता है जेरोक्स एफएफ एंड ये रहा उसका कस्टम एचयूडी। यहाँ पर आप लोग सारे बटन्स को अच्छे से देख लो, इसने कहाँ पर किस बटन को रखा है। तो अगर चाहो तो आप लोग इस कस्टम एचयूडी पर भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर टू पे आती है वाइट एफएफ की एचयूडी। यहाँ पर भी आप लोग सेम चीज को देखोगे कि इसने भी अपने मेन बटन्स को लेफ्ट के साइड पर ही रखा है। ये सारी थ्री फिंगर की एचयूडी सिंपल तो नहीं है, लेकिन जो भी इन कस्टम एचयूडी पर प्रैक्टिस कर ले, वो अपने गेम प्ले को काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक कर सकता है। नंबर थ्री वाला कस्टम एचयूडी एक सिंपल कस्टम एचयूडी है। आप ये देखो कि इस एचयूडी पर किस तरह से गेम प्ले किया जा सकता है। इस एचयूडी पर भी आप लोग परफेक्ट हेडशॉट मार सकते हैं, इस पर स्पीड को भी काफी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं एंड भाई प्रैक्टिस के बाद तो आप लोग एक तगड़ा गेम प्ले दिखा सकते हैं। तो ये है हैंडसम एफएफ की कस्टम एचयूडी। ये कस्टम एचयूडी इसलिए सिंपल है क्योंकि इस पर कुछ बटन्स आपके राइट साइड पर भी रहते हैं। सो आप लोग चाहो तो इस कस्टम एचयूडी का भी यूज कर सकते हैं।
तो अब जानते हैं कि आपको कस्टम एचयूडी पर प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। सिंपली आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पर आकर तीन अलग अलग गन्स को लेना है, एक ड्रैग वाली गन, एक डिजर्ट ईगल एंड एक शॉट गन। एंड इसके बाद आपको हर तरीके के ट्रिक्स को यहाँ पर फॉलो करना है एंड यूज करने की कोशिश करनी है। जब भी आप लोग प्रैक्टिस करो आपको देख देख कर ही बटन्स को प्रेस करना है, यानी कि अगर जंप बटन का यूज करना है तो आपको जंप बटन को देख कर ही प्रेस करना है। और इस तरह से प्रैक्टिस करने पर 5 से 7 दिन पर एक परफेक्ट गेम प्ले दिखा सकते हैं। अगर आपको नए कस्टम एचयूडी पर जल्दी से जल्दी सीखना है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टम मैचेस को ही खेलना, क्योंकि कस्टम मैचेस पर अनलिमिटेड वॉल्स होती है एंड यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।